भीलवाड़ा नागरिक संशोधन सीएबी बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार के दोपहर भीलवाड़ा आम मुस्लिम समाज के लोगों ने भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों पास किए गए नागरिक संशोधन सीएबी बिल से देश में समानता के आधार पर हनन और सभी धर्मों को छोड़कर मुस्लिम धर्म को आधार बनाकर पास किया गया। बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। जो एनआरसी और सीएबी जो कानून पास हो गया है, हम सब उसका रद्द करते हुए एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं और इसका एहतजाज उस वक्त तक किया जाता रहेगा जब तक कि इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता है। इसीलिए कि इस कानून में हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों को मैं कहना चाहूँगा कि अमन व अमान नहीं है। ये सिर्फ मुसलमान ही के लिए नहीं है, सिर्फ टारगेट मुसलमान को किया जा रहा है, बल्कि इसमें दूसरी कौमें भी आ रही हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है हुकूमत हिंद से कि यह कानून वापस ले और तमाम हिंदुस्तानियों से इस कानून को वापस लेने पर एहतजाजी जुलूस ऐसे ही निकालते रहें जब तक वापस ना ले लें, जब तक ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। इसलिए कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जितने भी मजाहिब के लोग हैं हिंदुस्तान में, हम सब भाई भाई हैं और हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। हमें तोड़ने की कोशिश ना की जाए, इसलिए कि इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तलाफ मौत है। लिहाजा हम इख्तलाफ को ख़त्म करके हम इत्तेहाद की ज़िंदगी और मोहब्बत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। एनआरसी के खिलाफ हमने ये एहतजाज किया और सारी तंजीमें भीलवाड़ा की इसके अंदर शामिल हुई हैं और यक जबान होकर यकजहती के साथ ये जुलूस निकाला गया। हमारी मांग ये है ये बिल जो मुसलमानों के लिए, पंडितों के लिए और जो यहाँ पर अकलियती कौमें रहती हैं उन सब के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारा कहना ये है कि हमारे बुजुर्गों ने यानी कि अंबेडकर, भीमराव और उनके साथियों ने जो इस देश का संविधान बनाया है तो उसमें छेड़छाड़ हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारा देश, हमारा वतन हिंदुस्तान जो है वो आइन के हिसाब से ही चलेगा। अगर कोई इसमें गड़बड़ी करेगा तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे और आखिरी हद तक हम पहुंचेंगे और कोई भी रुकावट हमारे सामने आएगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। इन अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में बिल पास किया है, पार्लियामेंट में करवाया है और राज्यसभा में करवाया है, अब वो CAA हो गया, यानी कि हमारे राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए, अब ये कानून बन गया। जब तक ये हुकूमत कानून को वापस नहीं लेती है हम तब तक अपनी आवाज़ को, ये तो भीलवाड़ा की आवाज़ है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ गूंजेगी और सबको पता चल जाएगा कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। इन्होंने समझा जब तिरपन तलाक का मसला आया हम खामोश रहे और जब बाबरी मस्जिद का मसला आया, क्योंकि हमें वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने जबान से माना, दिल से नहीं माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम हर बासी हिंदुस्तान में रहता है। लेकिन हम जब ये तमाम मामलात हो गए तो इन्होंने देखा कि ये कौम तो सोई हुई है, अब इन्होंने हमको ललकारा है, अब हम आवाज़ दे रहे हैं पूरी कौम को, उसे लपेट के हमारी जुबान पर आ रही है। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे, तब तक हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे कहना है। अगला कदम क्या होगा? सरकार ये कह रही है कि अगला कदम सरकार बार बार ये कह रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ये कानून उनके खिलाफ नहीं है। ये तो सब धोखा देने वाली बातें हैं, इसके अंदर बहुत से राज हैं। आप समझ लीजिए ये कानून कोई मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि दलितों अकलियतों के लिए भी है। इसके अंदर ईसाई भी आते हैं, दलित भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं,
सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, ये सबके लिए है। आज ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर का राज ये है कि इसके बाद इनको भी करते हैं। अगर आप मेरी बात मोहब्बत से सुनना चाहें तो मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि तीन आदमी थे, एक तो बजरंग दल का था।